हमारे भारत में सूर्य को जल देने की प्रथा प्राचीन काल से है। रोज नहाकर सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज हमको बता के गए हैं। क्या कारण है इसके पीछे कि हमारे बड़े बूढ़े ऐसा करते थे और कहते थे और सूर्य पूजा को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी? आइए इसके साइंटिफिक रीजन पर हम बात करते हैं। हे गाइस, दिस इज आयुष मोहन मिश्रा और आज हम बात करते हैं कि सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, वो सूर्य है। तो सूर्य को अर्घ देने की बात हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कही गई है। जब सुबह सुबह हम लोग नहाकर सूर्य की पहली किरण के साथ हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य की पहली किरण हमारे शरीर पर पड़ती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और मैंने अपनी किताब में भी इस बारे में एक्सप्लेन किया है कि सूर्य की पहली किरण की पावर क्या है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, और जैसे ही ये हमारे शरीर पर पड़ता है तो फोटॉन्स हमारे शरीर पर आकर फूटते हैं और उस फोटॉन की सारी एनर्जी हमारे शरीर पर प्रवाहित होती है और हमारी बॉडी दिन भर एक अलग ही एनर्जी को फील करती है। ये रहा एक कारण। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। सुबह सुबह सूर्य को आंखों से नहीं देखा जाता क्योंकि वो हमारी आंखों की रेटिना पर एक बुरा असर डालता है। तो सूर्य के दर्शन हम अपने पात्र में देख कर करते हैं जिससे कि हम जल चढ़ा रहे हैं। तो जब हम अर्घ के जल में सूर्य की परछाई को देखते हैं तो हम एक पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी को फील करते हैं जो कि हमारे मन और हमारे दिमाग के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बॉन्ड बनाती है जिससे हम दिन भर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीते हैं। अगर आप किसी से हर्ट हुए हैं या आप किसी मेंटल पेन से गुजर रहे हैं तो यह आपके सच में आपको एक पॉजिटिव व्यू देगा और आप आसानी से मूव ऑन कर पाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, करके देखिए। इसलिए रोज सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मूव होगा। यही कारण था कि प्राचीन समय से ही सूर्य को अर्घ देने की बात कही गई और इसको इम्पॉर्टेंट बताया गया था। आई थिंक कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि सूर्य को अर्घ देना या सूर्य को जल चढ़ाना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। अगर आपने मेरी बुक द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर अभी तक नहीं खरीदी है तो जाकर खरीदिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको और इसी समय की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर DM करिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं उसके सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाकर